अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग आज जा रहे हैं न्यूयॉर्क के लिए, निकल रहे हैं। आज फ्राइडे है तो इस वीकेंड पर जो है लॉन्ग वीकेंड है, क्योंकि मंडे मेमोरियल डे है। तो यहाँ सारे लोगों को कंटिन्यू 3 दिन छुट्टी है, तो मतलब सैटरडे संडे और मंडे भी छुट्टी है। तो इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, तो वी आर प्लानिंग टू गो नियाग्रा फॉल्स। तो न्यू जर्सी से नियाग्रा फॉल्स है ऑलमोस्ट 6 आवर्स, और फिर बीच में हम स्टे करेंगे कुछ जगहों पर, तो फिर और भी टाइम लगेगा। तो देखते हैं, अब जुमा है तो हाफ डे से मतलब बच्चे भी आ गए थे, और मेरी सिस्टर और मेरे जीजू जो हैं वो भी जॉब से आ गए हैं हाफ डे से। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से लंच किया है, फ्राइडे की नमाज़ पढ़ ली है जुमा की, और फिर हम लोग निकल चुके हैं। वेदर अच्छा है, क्लाउडी है, और लंबा रास्ता है। तो लेट्स सी क्रैंकी होती है या नहीं। मुझे बहुत टेंशन थी, बट शी वॉज अ बिट क्रैंकी, पर क्योंकि उसके साथ मतलब उसकी फ्रेंड भी है, नेबर में जो है फ्रेंड, वो हमारे साथ चल रहे थे, और अनाय की कज़न भी है, मेरी सिस्टर की डॉटर, तो मेरी भांजी, तो अनाय उन लोग के साथ थोड़ा सा खैर से टाइम स्पेंड कर रही थी। पर एनीवेज वी आर ऑन द वे, हम हाफ वे आ गए हैं, हाफ वे तो नहीं आए, वी आर ऑन द वे हैं अभी। तो देखते हैं कब पहुंचते हैं। हम निकले 4:10 पर, और फिर हम लोगों ने कंटिन्यू जर्नी रखी जब तक कि हम सर्विस एरिया नहीं पहुंच जाते। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और होप कि मैं आप लोग को ये बता रही हूँ, और हम सर्विस एरिया पहुँच गए हैं। वी आर एट सर्विस एरिया हियर, तो रेस्ट एरिया भी कहते हैं इसे यहाँ पर। तो कितनी प्यारी ब्यूटीफुल ग्रीनरी है, वाओ इट्स सो अमेजिंग। सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, उस पर भी कितने अच्छे ग्रीनरी है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो मेरी सिस्टर और मेरे अम्मी बाबा भी थे, तो हम लोग लास्ट टाइम भी यही रेस्ट एरिया पर रुके थे। पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो गई हैं, और जो है अभी हम यहाँ पर फ्रेश होंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ रेस्ट एरिया किस तरह से है यहाँ का। बच्चे देखिए अनाया और उसके फ्रेंड्स और उसके कज़न्स बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं ग्रीनरी में। और ये सारा पार्किंग एरिया है, और वहाँ सामने जो है प्ले ग्राउंड है। तो बच्चों ने प्ले ग्राउंड देख लिया है, और अभी वो लोग जाएंगे कुछ देर वहाँ पर, उन लोगों ने स्लाइड की, और वो जो देख रहे हो वो है। And here will be the benches and sitting area. अगर आप कुछ खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लाए हो तो यहाँ बैठकर आप खा सकते हो। तो बहुत ही इस तरह से सब कुछ अरेंज्ड है यहाँ पर, सिस्टमैटिक। Wow, it's so nice. Wow, it's nice. It's a boat. Beautiful boat, Anu. Wow, nice. There's a wooden slide. It's a good. Aur mashallah se kitna beautiful view hai. That abhi to hum half the way aaye hain, par it feels like we stay here. Kitni achhi greenery hai wahan. This is the inside sitting area. यहाँ पर सारा मैप एंड ऑल है, और यहाँ पर है वेंडिंग मशीन्स,
सॉफ्ट स्नैक्स ले सकते हो पे करके. और वो रहे वॉशरूम बहुत ही नीट एंड क्लियर. सो दैट्स हाउ द रेस्ट एरिया इज. सो यहीं पर हमने अपना डिनर कर लिया था. पूरी छोले थे, लेमन राइस था. तो बस यहीं पर डिनर हो गया और फिर हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की. और जब तक हम पहुँचे तब तक 2 बज रहे थे तकरीबन. बीच में हमने फ्यूल भी भराना था तो टाइम ज़्यादा लग गया था. तो फिर मैं बहुत थक गई थी और अनाया सो तो नहीं गई थी, पर वो नींद को थी तो मैंने शूट नहीं किया आगे. और नेक्स्ट डे का व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे. प्लीज़ वॉच.